जितने लोग भी 18-19 साल के हो चुके हो और 17 के ऊपर भी हो चुके हो, एक चीज़ ध्यान कर लो, अपनी जिम्मेदारी अब उठानी पड़ेगी। टाइम आ चुका है, ठीक है। आज के टाइम पे ये अगर हम 2000 मतलब 1990 वाली से 2000 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए अब ये चीज़ नहीं कहे, अब तो वो 20 के कहाँ रहे हैं, ठीक है। जब हम अपने हम उसी टाइम के, क्योंकि हम भी 1997 की पैदाइश हैं भैया, तो हम एक चीज़ बताते हैं कि उस समय इतना नहीं था यार। उस समय 20 साल, 18-19 साल की उम्र में हमें नहीं, हम लोगों को नहीं था इतना टेंशन, नहीं थी कुछ नहीं था, क्योंकि हमें पता था काहे का कॉम्पिटिशन है। लेकिन आज सोशल मीडिया आ गया है, तो उसकी वजह से हम लोग जब देखते हैं तो ये देखते हैं 17-17 साल के लड़के लाखों कमा रहे हैं महीने का, 18 साल के लड़के लाखों कमा रहे हैं महीने का। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर दिक्कत होती है हम लोग डिप्रेस होने लगते हैं कि यार ये लोग कर रहे हैं तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अब हम जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर बात करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी उम्र यार 18 साल हो गई, ये एक कड़वी सच्चाई है लेकिन माननी पड़ेगी, हम लोगों के टाइम पे जब हम लोग 4-5 साल पहले जब 18-19-20 साल के थे तब उस समय इतना कुछ टेंशन थी नहीं, ठीक है। ग्रो कर जाएंगे, जो करना होगा कर जाएंगे धीरे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के टाइम पे अगर तुम्हारी उम्र 18-19 हो गई है तो टाइम इतनी स्पीड में भाग रहा है, इतनी तेजी से आगे चल रहा है कि अगर तुमने आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चालू करी या फिर आज भी तुम अगर घर वालों पर डिपेंड हो, यकीन मानो जिंदगी डिजास्टर होने वाली है आगे के 10 सालों में, ये कन्फर्म। तो इसलिए जिनकी भी उम्र 18-19 हो गई है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम आज ही से जाके कहीं से भी 50,000-1 लाख कमाने लगो, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लेने लगो कि तुम्हें अपना फ्यूचर खुद बनाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अपना करियर बनाना है, ना कि घर वाले देखेंगे कि तू चिल्लाएंगे इसलिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी तुम ले सकते हो जब तुम्हें अपने करियर के बारे में चिंता हो, जब तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़े, इसका मतलब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। और मेरे भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम पे अगर नहीं ले पा रहे हो तो यकीन मानो तुम यही 5-6 साल बाद तुम ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि इतना टफ टाइम आ रहा है यार। सरकारी नौकरियां सब खतरे में है, कब कौन सी कितनी खत्म हो जाएंगी कुछ नहीं पता है। आर्मी में अग्निवीर बचे हैं, बाकी सब में यही हाल होने वाला है। इसलिए अगर उम्र 18-19 हो गई है, उसके ऊपर हो चुके हो और अगर अभी तक घर वालों के ऊपर टेके हो, भले घर वाले कितना कमा रहे हो वो उससे मतलब नहीं होता है, तुम अगर आज भी घर वालों के ऊपर डिपेंड हो 18-19 के बाद भी, तो यकीन मानो ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ रही हैं फिर। इसलिए अगर 18-19-20 साल के हो गए हो तो हर चीज़ के ऊपर खुद कैप्टन बनने की कोशिश करो, आप हर एक डिसीजन में अपना खुद फैसला लेने के लिए चालू कर दो, क्योंकि दुनिया बहुत रफ्तार में आगे बढ़ रही है। हम लोग तो पीछे छूट गए ये तो पक्का पता है, लेकिन तुम लोग ना छूट पाओ इसलिए बता रहे हैं। तो जो भी तुम्हें डिसीजन लेने हैं, जो भी तुम्हें करियर चूज़ करना है, तुम खुद से चूज़ करो, घर वालों के दबाव में नहीं, लेकिन जो भी करियर चूज़ करो इस हिसाब से चूज़ करो कि उसमें तुम डेली बेसिस के 10 से 12 घंटे दे पाओ। अगर ऐसा कर पा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हो, तभी तुम आगे सर्वाइव कर पाओगे, वरना ज़िंदगी तकलीफ़ों से गुजरेगी और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बिल्कुल भी इस चीज़ को, मेरी इस बात को हल्के में यार बिल्कुल भी मत लेना, सच बता रहे, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। राम राम, जय हिंद।